देश की सरकार का दिल काला हो गया है और इसीलिए वो काला धन वापस नहीं आ रहा है। कुछ लोग उस काले धन को मॉरिशस रूट से सफेद में तब्दील कर रहे हैं या स्विट्जरलैंड में रख रहे हैं, और सरकार उस पर क्या कर रही है, यही है बड़ा सवाल। क्या वापस आएगा कभी काला धन? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा रामदेव और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम यहां पर मौजूद हैं। तो गुजारिश होगी बाबा रामदेव से कि वो इस बहस की शुरुआत करें इस सवाल के साथ, कौन रोक रहा है बाबा? पहले तो आज तक ने एक नई पहल हिंदुस्तान में की है। अभी तक देश की पॉलिसीज के बारे में इंग्लिश चैनल हो, इंग्लिश मीडिया हो, उसके ऊपर बात होती थी। अब देश कैसे चलेगा, देश के मुद्दे क्या होंगे, ये देश का सबसे बड़ा हिंदी का मंच आज तक ने उपलब्ध कराया। इसके लिए इंडिया टुडे ग्रुप को और हम आज तक को बधाई देते हैं। और देश का सबसे बड़ा मुद्दा मैं काला धन मानता हूं, और मेरे मानने से बात नहीं होती। 1955-56 में प्रोफेसर कैंडोर ने कहा कि भारत की जीडीपी का 4 से 5% ब्लैक मनी है। 1970 में वांचू कमेटी कहती है कि 7% हमारी जीडीपी का जो है एस्टिमेटेड ब्लैक मनी है। 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ये कहते हैं कि 18 से 21%। हमारे जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार से लेकर के जो भारतीय इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं 40 से 50% हमारी जीडीपी का ब्लैक मनी है, और उसका 10% भारतीय जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि हर वर्ष बाहर चला जाता है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है वो कहते हैं कि 16% हमारे देश का हर वर्ष बाहर चला जाता है। माने करीब यदि हम नॉमिनल मोड पर देखें भारत की जीडीपी तो 16 करोड़ रुपए की है, और जो है पीपीपी मोड पर देखें तो 200 लाख करोड़ की है। यदि हम नॉमिनल पर ही मान लेते हैं तो देश का 10 से 16 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष ब्लैक मनी बाहर जाता है। कितना अच्छा होता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये आजकल बहस चल रही है और बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है भारतीय राजनीति के अंदर एफडीआई के ऊपर, हमारे देश के अंदर ये एफडीआई की जो असली जो जड़ है उसी के ऊपर ठीक से बहस हो जाती जो अभी तक आ चुकी है। तो देश को 2 लाख करोड़ नहीं, देश को 16 करोड़ रुपए बाहर से मिलता, और देश के अंदर क्योंकि बाहर जो पैसा गया उसको एस्टिमेट किया सब लोगों ने, करीब जो है फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें तो वो कहते हैं 25 लाख करोड़ रुपए, और भारतीय जो अर्थशास्त्री कहते हैं 100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर है, और वो 10% एस्टिमेट किया। देश के अंदर कितना होगा? करीब 1000 लाख करोड़ रुपए, और मैं उसको गिना सकता हूं, गोल्ड से लेकर के, लैंड से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, माइनिंग से लेकर के, और पॉलिटिक्स तक जहां जहां काला धन लगा हुआ है। अर्थात देश के अंदर करीब 1000 लाख करोड़ की, देश के बाहर करीब 100 लाख से 150 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था चल रही है, और हमारे प्रधानमंत्री वो 1000 लाख करोड़ रुपए और वो करीब 100 से 150 लाख करोड़ रुपए की जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी उसको देश में लाने के लिए बात ना करके मात्र 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर नूरा कुश्ती हो रही है, और एक दूसरे के प्रवाद प्रतिवाद हो रहा है। कितना अच्छा होता इस वॉलमार्ट के भी, जो पूरी दुनिया के अंदर जो वॉलमार्ट के धंधे के बारे में सबको पता है, अभी जो है इसके ऊपर ब्राजील में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में केस चल रहे हैं, जांच चल रही है इसके ऊपर कि ये लोगों को काला धन देता है, रिश्वत देता है। मैक्सिको में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देना इसने स्वीकार किया है। ऐसे उस करप्ट कंपनी वॉलमार्ट के एजेंट की तरह हमारे संसद में कुछ सांसद उसके लिए बहस करें, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, काला धन से आप एफडीआई पर पहुंचे, आगे बहुत सारे सवाल हैं। एफडीआई में काला धन आया हुआ है 60 से 80% पहले भी, अभी भी अपना ही धन कुछ बेईमान लोग देश में लाकर के और देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहती है। मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी कहते हैं कि एफडीआई में, एफआईआई में ये काला धन आ रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होगा, पूरी देश की अर्थव्यवस्था को हम गुलाम बना रहे हैं एक तरह से विदेशी लोगों का। चलिए ठीक है संजय जी, पहले तो काले धन पर सरकार एक कौड़ी अभी तक देश वापस नहीं ला पाई है, वो बड़ा मुद्दा, वो सवाल, और एफडीआई में जो से जोड़कर बता रहे हैं बाबा रामदेव। सबसे पहले मैं आज तक को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भारत की जो अपनी भाषा है उस भाषा में आपने भारत के जनमानस को आंदोलित करने वाले मुद्दों के ऊपर एक महामंच आयोजित किया है। निश्चित तौर पर इन मुद्दों के ऊपर जब चर्चा होगी तो लोगों के बीच एक बड़ा विचारोत्तेजक बातें जाएंगी और उससे एक मार्गदर्शन भी मिलेगा आमजन को। एक,
काला धन हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे देश का, पूरी दुनिया का बहुत बड़ा विषय है। दो तरह का काला धन है, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर। बाबा रामदेव एक अरसे से एक मांग कर रहे हैं कि विदेशों से काला धन वापस लाओ। अब पहला प्रश्न यह है कि यह काला धन विदेशों में है कहां? क्या काला धन विदेशों में किसी चौराहे पे पड़ा है, या काला धन विदेशों में किसी के घर में पड़ा है, या काला धन विदेशों में विदेशी बैंकों के खातों में पड़ा? चौराहे पे नहीं है, किसी के घर में नहीं है, खातों में, चाहे फ्रेंच बैंक हो या स्विस बैंक हो या जर्मन बैंक हो, दुनिया के तमाम जो फॉरेन बैंक है उनके खातों में पड़ा है। किसका पड़ा है यह अपने आप में निश्चित तौर पर छानबीन की बात है, लेकिन जब विदेशी बैंकों के खाते में अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे पड़े हैं तो उसको लाने का एक वैधानिक तरीका ही हो सकता है। बाबा जो कहते हैं कि आप लेके आइए, मैं वैधानिक की बात करूंगा संजय, बाबा बीच में नहीं बोला था जी, जी। बाबा कहते हैं कि आप बस लेके आ जाइए, अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है, अभी काला धन कोई गाजियाबाद मुरादाबाद में नहीं पड़ा कि जाके लेके आ जाएंगे, बहुत दूर है, और उसके लिए दुनिया के अलग देशों के नियम कानून के तहत काम करने वाले बैंकों के खातों में अवैध तरीके से पड़े हुए पैसे हैं, तो उनको लाने का दो तीन वैधानिक तरीका है, जिसके तहत जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात। 2009 से पहले दुनिया के किसी भी देश के साथ हमारा एग्रीमेंट ये नहीं था कि आपके बैंकों के खातों में जिसका भी पैसा है उसकी जानकारी आप हमें दीजिए। 2009 से यह शुरू हुआ, क्योंकि 2008 में एक ग्लोबल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हुआ, जिसके तहत भारत सरकार की मांग के बाद ऐसा माना गया कि दुनिया के हर देश को दूसरे देश के बैंकों में अगर उसके नागरिकों का पैसा छुपा हुआ तो उसकी जानकारी पाने का हक है, और उसके बाद 78 DTAA हम लोगों ने रिवाइज किया, और उस रिविजन के तहत यह निर्णय हुआ कि अब किसी भी भारतीय का पैसा अगर किसी विदेशी बैंक में पड़ा है तो उसकी जानकारी देना उनके लिए कंपल्शन होगा, मजबूरी होगी, मैंडेटरी होगी। एक मिनट और खत्म करता हूं। अब बार बार मेरे दिमाग में सवाल उठता है, मैं पीएससी का मेंबर हूं, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का मेंबर, जब मेरे सामने आए सब ऑफिसर्स आए, मैंने बोला कि आपने जो एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको, यानी 2009 में एग्रीमेंट साइन हुआ है तो 2009 के बाद जो पैसे आएंगे उसकी जानकारी आप देंगे, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि G8 की मीटिंग हो, G20 की मीटिंग हो, G77 की मीटिंग हो, हर मीटिंग में भारत सरकार की तरफ से मांग की गई है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होना चाहिए, लेकिन दुनिया का कोई भी देश स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसका अमेरिका मतलब ने कर दिखाया है? अमेरिका ने कर दिखाया, DTAA उनका भी है, लेकिन उनके पास नाम है और 2009 के पहले के भी नाम, तो वो अपना दबाव कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? बाबा एक और चीज, अब बार बार ये हुआ, लोग कहते हैं कि साहब आपके पास जो 700 नाम आए हैं वो आप जाहिर करो। कई बार हमारे उस समय के वित्त मंत्री और आज के वित्त मंत्री और तमाम लोगों ने बताया है कि साहब 700 नाम हमारे आग्रह पे ही बैंकों ने दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आपके यहां किसी ने कमाई हुई पैसे के ऊपर, कमाई अपनी कमाई के ऊपर टैक्स नहीं दिया और टैक्स चुराया है तो उससे टैक्स कलेक्ट करने का हक आपके पास है, इसलिए हम दे रहे हैं, इन नामों को जाहिर करने के बजाय इनसे कैसे अपना टैक्स वसूलें, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, और इसके तहत लगभग 54,000 करोड़ के आसपास पिछले 2-3 वर्षों में भारत सरकार ने कलेक्ट किया है। मैं एक सच है, मैं कुछ आप बार बार बोलते हैं 100 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, सब काला धन है क्या? एक ऐसा पैसा आपके आंकड़ों पे बोलता हूं, आप हमेशा कहते हैं 20 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, और कोट देश और दुनिया के जो टॉप इकोनॉमिस्ट उनके आंकड़े बोले, बाबा के घर के आंकड़े नहीं है। ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी ने कहा कि भारत का लगभग 20 लाख करोड़ रुपए विदेशी अकाउंट में पड़ा है, 25 लाख करोड़। अब काला धन है क्या? एक ऐसा पैसा जो किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, मैं अगर डिक्लेयर करता हूं तो उसको काउंट किया जा सकता है, मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया तो मेरे पास 5,000 करोड़ का काला धन है या 500 करोड़ या 5 करोड़ है, इसकी एस्टिमेट करने के तरीके ने, हवाबाजी ने, देखो ये गलत बात, हवा में तीर चला, ये गलत, जो अनअकाउंटेड है उसका अकाउंट दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकता जब तक कुछ जब्त नहीं होता। नहीं नहीं, देखो देखो संजय भाई, मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं, देखो जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी बात अलग है, आज ये इसको अकाउंट करने के तरीके होते हैं, आज
मुंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर एक रजिस्ट्री होती है, 10 लाख करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री होती है, तो 2 लाख 10 करोड़ की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें 80% ब्लैक मनी दिखता है आंखों से। एक स्टोर के अंदर यदि 10 लाख का माल है और उसमें 2 लाख के बिल, इसका मतलब उसके अंदर 80% है। किसी में एक स्टोर के अंदर 10 लाख का माल है, 5 लाख के बिल 50% है, उसके अकाउंट करने के तरीके होते हैं, हवाबाजी नहीं होती है। और मैं एक बात और कहता हूं, ये तो एक मिनट 20 लाख, देखिए मैंने कहा देखिए दो तरह का, एक विदेश में, देखिए देश के अंदर और बाहर में, पहले उसकी संख्या गणना बता चुका हूं। और काला धन पैदा करने के एक तरीके नहीं है, 1500 तरीके हैं। देखिए हमारे प्रोफेसर वैद्यनाथन ने जी ने कहा कि ब्राइब और टैक्स के रूप में देश में, एक मिनट, तरीके उसके ऐसे, ये हवाई बातें नहीं है। मैं बता रहा हूं, वो देश में काला धन जनरेट करने के एक नहीं 1500 तरीके, उन तरीकों को आपसे हमसे ज्यादा हमारे टैक्स ऑफिशियल जानते हैं। हां उसी की बात करिए, चलिए उस पर आ जाता हूं। कोई भी व्यक्ति, संजय भाई, ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने देश की सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास 50,000 ट्रांजेक्शन्स की ब्लैक मनी के लेन देन की जो है रिपोर्ट की है, उसकी सूचनाएं दी है। उन 50,000 सूचनाओं में से कितनों पर काम हुआ है? आप तो जो है सरकार का के जब जब कोई बड़ा संकट आता है तो आप बहुत प्रामाणिकता से बात करते हैं। 50,000 ट्रांजेक्शन की ब्लैक मनी की रिपोर्ट है, उसमें पत्र के जरिए तमाम नामों को बोलने की बात हुई थी, वो सब कहां रह गया? वो नाम कभी नहीं जाहिर करने की बात हुई थी, क्योंकि आप अगर नाम जाहिर करते हैं, मैं जो बायलेटरल अपने किया है दूसरे देशों, अंजना अंजना मैं उल्लंघन होगा, मैं एक अंजना बात पूछ रहा हूं, संदेश ये जाता है कि आप ऐसे लोगों को बचा रहे हैं ना। अच्छा मैं संजय भाई, दो तीन छोटे छोटे प्रश्न का आरोप लगा दिया तो उसका जवाब देना जरूरी है। जब आप दूसरे देश के साथ समझौता करते हैं, जिसको द्विपक्षीय समझौता बायलेटरल एग्रीमेंट कहते हैं, उसके तहत आपके कमिटमेंट होते हैं और उस कमिटमेंट के तहत आपको कुछ जानकारी दी गई और उस कमिटमेंट के तहत उस जानकारी को कितना जाहिर करना आपके ऊपर है। हम, आप या बाबा कह सकते हैं कि भारत सरकार जाहिर करो, लेकिन भारत सरकार का दूसरे देश के साथ जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसके तहत एक कमिटमेंट है। हमारे कमिटमेंट को तोड़ना किसी सरकार के लिए कम से कम सभ्यता के दायरे के अंदर की बात नहीं हो सकती। लेकिन इधर उधर से अगर मीडिया से या अलग अलग लोग खुलासे करते रहे, कहें इसका अकाउंट वहां पर है, इसका है नहीं है, वो कंफ्यूजन फैला रहे, इसकी सरकार को कोई लेना नहीं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, काला धन के मामले में देश में सही जानकारी देने के बजाय भ्रमित करने वाली जानकारी इतनी आ चुकी है संजय भाई, दुर्भाग्यवश काला धन जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट था, एक लीगल सब्जेक्ट था, वो एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो गया। देखिए पॉलिटिकल सब्जेक्ट तो होना चाहिए, राजनीतिक धन चक्कर में अगर काला धन का विषय डालेंगे तो आप बाबा यही चीखते रह जाएंगे। हालांकि आप योग गुरु हैं, आप चीखेंगे तब भी आपके शरीर को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जनता बेचारी परेशान हो जाएगी। हम तो चीख सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं, अरे हम तो बोलते हैं तो बात ये होती है कि हमारे पास में कोई ताकत नहीं, हम खाली बोल सकते हैं। आप देश के आम आदमी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में देखो, हमें बहुत कष्ट होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाए कि वो अंडर अचीवर है और दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार के मुखिया, और जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उनके बारे में जब ये कहा जाता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं। और इससे आगे की बात यह होती है कि मीडिया से कभी भी वो ब्लैक मनी के ऊपर बात नहीं करते, संसद में बहस होती है तो ब्लैक मनी के ऊपर नहीं बोलते, एफडीआई के ऊपर भी मौन है। देखो मेरी बात एक मिनट बात पूरी हो, आपके आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं, फिर उसके बाद में इतना ही नहीं, देश के जो बड़े बड़े इश्यू हैं उसके ऊपर वो मौन रह जाते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात ये कहते हैं कि पुलिस के यहां, सारे गवर्नमेंट के यहां, सब जगह दरवाजे बंद हैं, तो जब हमारे भाई राहुल जी दरवाजे नहीं खोल सकते तो रामदेव दरवाजा कहां से खोलेंगे? लेकिन एक सीधी सी बात आपसे मैं करता हूं, आप बात कर रहे थे एक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इधर उधर जाएंगे तो बहुत बातें निकल जाएंगी। देखिए दूसरी बात, हां मैं काले धन के ऊपर वापस आ रहा हूं, अब आपने कहा कि जी हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं, एक तो ईमानदारी की बात है, क्या गवर्नमेंट को हवाला की, ओवर इन्वाइसिंग की, अंडर इन्वाइसिंग की, क्या सरकार को जानकारी नहीं है? सरकार को सब जानकारी है। एक ईमानदारी चाहिए, एक इच्छा शक्ति चाहिए, एक पॉलिटिकल विल चाहिए। देखो जो है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अमेरिका एक बहुत बड़ा टैक्स हेवन बैंक है, स्विट्जरलैंड का यूबीएस, उसका जो है आदमियों को पकड़ा, 4,500 करोड़ रुपए उनसे फाइन लिया अमेरिका ने, 300 लोगों के नाम लिए, हजारों करोड़ रुपए की रिकवरी की। हमें उस बैंक के बारे में पता लगा तो हमने नाम नहीं लिए उनसे, और 55 लाख रुपए लेकर के छोड़ दिया। इतना तो मैं दान इकट्ठा करके देते थे एक दिन में। आपने एक तो विदेशों के ब्लैक मनी और दूसरा देश में ब्लैक मनी पे आप चर्चा कर रहे थे क्या? और इसमें मैं आप कह रहे थे कानून, दो तीन प्रश्न कर लेते हैं, आंकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। एक आंकड़ा मैं आप, ये आंकड़ा तो गवर्नमेंट का है, इन एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो टैक्स चोरी होती है उसके माध्यम से ब्लैक मनी जनरेट होता है।
नहीं एक है जो हमारा सबसे बड़ा सबसे बाबा आप स्वयं योग के नाम पे एक बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। देखो उस व्यवसाय नहीं सेवा है। आपके राजीव गांधी फाउंडेशन में कोई दान दे तो दान और पतंजलि योगपीठ में कोई दान दे तो टैक्स हो जाता है उसके ऊपर। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी। ऐसे तो गोरे भी नहीं करते थे हिंदुस्तान में। योगपीठ की तरफ से जो दवाएं बेच रहे हैं टैक्स देते हैं जो चंदा ले रहे हैं फीस ले रहे हैं। देखो हमारा दान हमारा एम्बिट में आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो 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 संजय बाबा गलत बात आप जोर से बोल करके साबित नहीं कर सकते। बाबा मैं आपसे ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, आप आदरणीय हैं, लेकिन मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां पर योग की पैदाइश हुई। मुंगेर में योग का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, लेकिन कभी योगा के नाम पे धंधा नहीं किया गया। देखो आपने योगा का व्यवसाय किया, बहुत अच्छी बात देखो, है। देखो ऐसा लेकिन भाई, सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा और आप टैक्स नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से 9000 करोड़ की नोटिस आपके ऊपर। देखो ऐसा है, आप नोटिस और डबल सीबीआई हमारे ऊपर आप लोगों ने लगा रखी है। सीबीआई नहीं लगाई। अरे सुनो तो लगा रखी है। आप झूठ बोलते हो सबके सामने। आप अगर डबल सीबीआई और 100 से ज्यादा केस हम पर लगाए और एक रुपए हमने टैक्स की चोरी की हो और ₹1 हमने कोई गलत काम किया हो, ₹1 अपने बैंक अकाउंट में खोला ही नहीं जमा कहां से होगा, ₹1 हमने 1 इंच जमीन ली हो, आप साबित कर नहीं पाए। आप आरोप तो सारी धरती ऊपर लगा सकते हो। साबित तो तब होगा जब जांच पूरी होगी। एक दूसरा पर से आपके पास इतनी बड़ी एजेंसियां हैं। एक मिनट पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश देने के बजाय पहले खुद एक सही आचरण पेश करना चाहिए। 9000 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स चुरा करके आप बैठे संजय भाई, आप योगा के नाम पे व्यवसाय कर रहे हैं। आपको नशे की दवाई तो नहीं खा वचन दे रहे हैं। नशे की दवाई तो खा के नहीं आए। सुनो सुनो, नशे की दवाई तो नहीं खा के आए आप। 9000 करोड़ रुपए मतलब हमारे संस्था का एक मिनट। अरे संजय भाई इतनी झूठ तो मत बोला करो, जो हजम भी हो जाए इतनी बोला। 9000 करोड़ ये नोट कर लेना चाहिए पूरे देश के लोगों को, किस तरह से कांग्रेसी लोग गुमराह करते हैं। संजय भाई आज तक जो हमें दान किया ना लोगों की नोटिस दी गई है। अरे गलत बात। अच्छा हो सकता है। अरे तो हो सकता है बात पता चलेगा। 9000 करोड़ देखिए। अरे मेरे भाई संजय मैं बता रहा हूँ, आपने कभी 5 करोड़ का नोटिस दिया, कभी 50 करोड़ का। अरे एक मिनट आप, लेकिन भाई संजय भाई आप एक जिम्मेदार कांग्रेसी हैं, झूठ तो इतनी बोला करो, लाख गुणा करके मत बोलो। मैं आदर के साथ कह रहा हूं, मैं आप बुरा मत मानिएगा जब आगे जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर दुनिया हम एक में एक करके बोलेंगे तो सभी आराम से सुन पाए। एक मिनट अंजना जी, दुनिया में मैं बुरा मत मानिएगा, 9000 करोड़ मतलब झूठ की भी सीमा होती है बाबा। एक मिनट प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं नम्रतापूर्वक आपके सामने, एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो आपके लिए नहीं है। सच यह है, दुनिया में कोई भी चोर जब तक साबित नहीं होता तब तक स्वीकार नहीं करता कि उसने चोरी की है, चाहे वो काला धन की चोरी करने वाला हो या टैक्स की चोरी करने वाला हो। बाबा आज भी आप जिस तरह से छुपा रहे हैं, आप जिस तरह से बरगला रहे हैं, मैं सरकार की जांचों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता और कुछ नहीं, बाकी जो कर चोर होते हैं उनका ही चरित्र आप प्रदर्शित। देखो देखो आप संजय भाई, आपने खूब जोर जोर से झूठ बोला और लाख करोड़ मैं बोलूं तो झूठ, आप बोले तो सच। मैं बोल रहा हूं ना, अरे अपनी बात देखिए, ये सारे लोग यहां बैठे, पूरा हिंदुस्तान जिसमें करीब 11 करोड़ लोगों को मैंने सभाएं की है, रुपए की बात कर रहा हूं। आप तो 9000 करोड़ रुपए बोल गए, आपको होश नहीं था शायद बोलते समय। अच्छा, लेकिन कितनी दवा बेचते हैं आप? मुझे होश नहीं था मान लिया, कितनी दवा रोज बेचते हैं? आपसे बोल रहा हूं कितनी दवा रोज बेचते हैं? और एक शिविर पे कितने लोग आते हैं, कितना फीस लेते हैं? जो है 1000 लाख करोड़ का, 1000 लाख करोड़ का देश का ब्लैक मनी, 100 से 150 लाख करोड़ रुपए का देश का बाहर का ब्लैक मनी, उसको आप बहस को डाइवर्ट मत कीजिए। पहली बात देखिए, दूसरी बात अभी ईमानदारी इस बात की, कोई भी आदमी यदि आप किसी दान का इंडिविजुअल कोई भी आपको पैसा देता है, यदि आप उसकी दान का रसीद काटते हैं तो ये दान है या ये धंधा है? बदले में पैसा नहीं देते। अरे सुनो तो, बदले में पैसा नहीं देते दवा देने के लिए। अरे सुनो तो, पैसा लेते हैं दवाई का जो अब बात तो आपको ना दवा का पता है ना योग का पता, आप दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं। इसलिए तो मैं उसको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक महात्मा गांधी जी की कांग्रेस है, उसमें परंपरा है कि कभी कोई दूसरा भी बात कहे तो उसको सुनना चाहिए। आप इसको ऐसी कांग्रेस मत बनाइए कि एक रुपए का अभी आप टैक्स चोरी नहीं साबित कर पाए और 9000 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा झूठ आज एजेंडा में बोला। अब अगली बात एक मिनट हो जाएगी। एक सेकेंड, जो सवाल है उसको अगर गंभीरता से हम उठाएं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के बजाय, योग गुरु बाबा रामदेव सिर्फ योग गुरु हैं या वो एक व्यवसायी भी हैं? देखिए अब मैं इसको उत्तर दे रहा हूं। हाँ,
मुझे लोगों ने करीब 11 करोड़ लोगों को मैंने शिविर सभाएं की, उसमें मुझे दान दिया। उसके सारे दान की हिसाब किताब, वो करीब पूरा जो दान है पतंजलि योगपीठ में आया हुआ, वो 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा करीब पूरा दान। और वो दान जो हमें लोगों ने दान दिया उसके हमने दान की रसीद काटी। देखिए आप बहन, एक जो कांग्रेस कहेगी उसको आप मानेंगे तो अलग बात है, आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि करीब 11 करोड़ लोगों की मैंने सभाएं की, 11 रुपए से लेकर के मुझे लोगों ने 1100 रुपए तक दिया, 5000 भी दिया, 11000 भी दिया, 90% से ज्यादा, लगभग 99% हमारा सामान्य लोगों का दान है। अब उस दान के द्वारा हमने पतंजलि योगपीठ बनाया। सरकार योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सबके ऊपर 3% बजट देती है, 97% बजट एलोपैथी के लिए देती है। योग आयुर्वेद और होम्योपैथ सिद्धा यूनानी सब मिलाकर के 1% बजट आयुर्वेद के हिस्से में आता है। योग आयुर्वेद और स्वदेशी का जो हमने कार्य किया वो सारी दुनिया के सामने है। और मैंने एक बात अगली में कहना चाहता हूं, एक ही बात के अंदर, कि 1 रुपए अपने बैंक अकाउंट खुला ही नहीं, बैंक अकाउंट 1 रुपए कोई अपने लिए नहीं रखा, 1 रुपए 1 इंच कोई जमीन नहीं खरीदी। जो लोगों ने दान दिया देश और दुनिया में, योग आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का जो काम पतंजलि योगपीठ ने किया है ज्ञात इतिहास में किसी ने किया हो तो बताओ। और उसके बाद हमारे दान को इनकम बता करके उसके ऊपर टैक्स, और जो कांग्रेसियों के ट्रस्टों को दान मिले वो दान, ये तो इससे बाबा बाबा इससे बड़ी दुर्भावना का कोई काम नहीं हो सकता। बाबा आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी, आपको मुबारक देता हूं मैं। लेकिन उनका प्रश्न ये था कि योग हमारे देश की एक परंपरा है, कोई बाबा रामदेव ने पैदा नहीं किया है। अपनी पतंजलि योगपीठ का नाम भी पतंजलि से रखा, बाबा रामदेव ने योगपीठ नहीं रखा। मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात भी सुनिए, मेरा निवेदन है आपसे, आप एक 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 सन्यासी हैं, इस नाते मुझे लगता है कि एक बच्चे की भावना का कदर करना चाहिए आपको। तो योग, लेकिन बच्चे उदंडता करेंगे तो रोकना तो पड़ेगा। मैं उदंडता नहीं, मैं पूरी नम्रता से अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने। तो योग हमारे देश की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है, और इसकी शुरुआत कम से कम बाबा रामदेव ने नहीं की है, इसको स्वीकार करना चाहिए। योग को आपने आधुनिक युग में बहुत लोकप्रिय किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन योग के नाम पे जो व्यवसाय और जो धंधा शुरू हुआ उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। अब धंधे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपको, ऐसा है देखो, टैक्स देने से मना नहीं, ऐसा है देखो, ये तो कांग्रेसियों ने झूठ बोलने का ठेकेदारी ले रखी है। हमारे देश के देश में 1 लाख से ज्यादा निशुल्क योग की कक्षाएं गांव गांव में हम चलाते हैं, और सारे देश को हमने योग जो सिखाया उससे करोड़ लाखों करोड़ रुपए की बचत कराई लोगों की दवाई में। एक नए सिरे से शुरू करते हैं, ब्लैक मनी के ऊपर बात करने से कतराते हैं, झूठे आरोप लगाना कांग्रेसियों की आदत होगी। कोई कतराए नहीं, टैक्स उससे जुड़ा हुआ मुद्दा, इसीलिए इस पर थोड़ी सी बहस हो गई, आगे रुख करते हैं। नितिन गडकरी, बीजेपी, और ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ आप मंच शेयर करते हैं बाबा रामदेव, तो नितिन गडकरी पर और जो आरोप उन पर लगे हैं उस पर सीधे सीधे क्या कहेंगे? जिस तरह से आप प्रहार कांग्रेसियों पर करते हैं, क्या आप करेंगे नितिन गडकरी पर? देखिए, मैं तो सबके साथ बैठा, आदरणीय भाई राहुल जी के साथ भी बैठा, मैंने ये सारे मुद्दे, ये ब्लैक मनी का मुद्दा, ये करप्शन का मुद्दा, और नेचुरल रिसोर्सेज की लूट का मुद्दा, ये जो भाई हमारे बात कर रहे हैं कि सफाई, सवाल कुछ और है। जो है बात तो तरीके से उतरूंगा ना, चलिए। तो है ये कि ये ब्लैक मनी कहां से आया, इनको बाबा के यहां से ब्लैक मनी दिखता है जहां 1 रुपए भी ब्लैक का नहीं है। सवाल और था, अरे सुनो तो, अब ये रोज जल जंगल जमीन हिंदुस्तान पूरा लूट लिया इन्होंने। अब इनको जब ये लगता है, अब देखो मैं एक नया घोटाला लेके आया, वैसे घोटाला सहस्त्र नाम का विश्व कीर्तिमान कांग्रेस ने बनाया, उसके लिए तो एक वेबसाइट उपलब्ध है, मैं सारे देशवासियों को कहना चाहूंगा उसको खूब देखा करें, इंडियन स्कैंडल जो है इंसाइक्लोपीडिया, ये जीप घोटाले से लेकर के और दामाजी घोटाले तक, और इसके बाद अच्छा, अभी एक नया घोटाला अभी का, देखो ये जो बात कर रहे हैं कि ये है यहां से 100 रुपए चोरी होगी टैक्स की, यहां से 50 रुपए, जो है संजय निरुपम भाई, जो है आप मुझे बोल रहे थे कि गुरुओं से कुछ सीखना चाहिए, तो आपको एक सीख दे रहा हूं, ये हो सकता है टैक्स चोरी का पैसा मात्र 10-20% ही हो, जो लोग चोरी कर रहे हैं उसमें बाबा का नहीं मिलेगा। आप चाहे आप दुनिया की एजेंसी लगा लो, डबल सीबीआई और 100 से ज्यादा आपने हमारे ऊपर जांच करके भी नहीं, आपको एक बात कह रहा हूं, ये नया स्कैंडल है जिसमें थोरियम घोटाला है, ये घोटाला है, ये इसमें 1,95,000
1300 टन थोरियम जिसकी कीमत होती है 48 लाख करोड़, ये केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से हुआ। ऐसे कोल घोटाले से लेकर के और थोरियम घोटाले तक इस देश के अंदर करीब 20,000 प्रकार के मिनरल्स हैं, उनमें 10 की ही कीमत करीब 20,000 लाख करोड़। सबसे ज्यादा तो लूट आप यहां कर रहे हो और बता रहे हो कि लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप अपनी जो नीतियां उनको ठीक कीजिए। और जहां तक बात नेताओं की है, देखो हम किसी नेता को यहां क्लीन चिट देने के लिए और किसी को गाली देने के लिए नहीं आते। हमने तो कहा है जो भ्रष्टाचारी उनको हटाओ और काला धन देश को दिलाओ। चाहे भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी में है, चाहे काला धन किसी का भी है, मैं तो कहता हूं आपने तो पैसे की बात कही। मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, आपने तो पैसे की बात कही। मैं कहता हूं यदि पतंजलि योगपीठ में काला धन है तो पूरे पतंजलि योगपीठ को कल ही आप एक्यूपाई कर लीजिए। मैं पतंजलि योगपीठ में घुसूंगा नहीं, ये मैं सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं। अच्छा स्वामी जी, अब मैं नितिन गडकरी क्या नैतिकता की वजह से, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले वो इसी मंच पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं दूंगा। आपको लगता है कि नैतिकता के सवाल पर जब आप अध्यक्ष हैं तो आपको शायद थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए था, जांच पूरी हो फिर सामने आए? ये तो राय उनको देनी चाहिए थी ना, मैं कोई बीजेपी का ना तो कोई उसका अध्यक्ष हूं ना उसका कोई प्रवक्ता हूं। लेकिन आप ए पॉलिटिकल भी नहीं है, आप नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर रहते हैं, आपने बीजेपी। जब मैं बहन प्रियंका जी से मिलता हूं, राहुल जी से मिलता हूं, और जब कांग्रेस के हमारे जो बड़े लोग और हमारे संजय भाई भी तो आज मेरे साथ ही बैठे हैं, ऐसी आपने सभी लोगों ने मेरे साथ मंच शेयर किया है। मैं तो किसी को अछूत नहीं मानता, छुआछूत की बीमारी तो ये कांग्रेसियों में हो सकती है कि हमको अछूत मानने लग गए। हम तो किसी को अछूत नहीं मानते। तो कांग्रेस भी आपको उतना ही दिल के करीब लगता है, प्यारा है? देखिए मैं तो कहता हूं जो काला धन देश को दिलाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा, उससे हम प्यार करेंगे। बाकी जो काला धन नहीं दिलाते, मैं तो कहता हूं ये बात कर रहे थे कि हम कानून के माध्यम से काला धन आएगा। 20 लाख करोड़ रुपए देश में आ गया एफडीआई के माध्यम से, एफआईआई के माध्यम से, और उसमें लाने के लिए कोशिश करें तो सारे के सारे दरवाजे तो इलीगल मनी बाहर और भीतर इलीगल एसेट से सबका पता लग सकता है। एक ईमानदारी चाहिए और ईमानदारी वो दिखाए तो मैंने ये सारा देश उनको सरांखों पर बैठाएगा। बाबा आप रामलीला मैदान थोड़ा मंच पर आप बुलाते हैं नितिन गडकरी को, शरद यादव को, और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ, सबने सबको बुलाया। मैं जरा आप बोलो, आप बहुत बोल चुके हैं, थोड़ा अगर अनुमति। जरूर मुझे अवकाश मिलेगा, जब थोड़ा सा अवकाश लीजिए। जब आपसे नितिन गडकरी या नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा जाता है तो आप कहते मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, उस बारे में बात नहीं करूंगा। कांग्रेस के बारे में रोज बोलते हैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता आपको किसने बना दिया? एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा आपने कहा हिंदू के बारे में बात कर, अब बीच में दूसरा मुद्दा आपने पतंजलि योगपीठ के बारे में जो बार बार अपनी मजबूत छाती को ठोक के कहते हैं कि जब चाहो कब्जा कर लो, ये सब सरकारें नहीं करती हैं। अगर आपने चोरी की है तो चाहे जितना भी चिल्ला ले आप, सरकार नहीं छोड़ेगी, एजेंसियां नहीं छोड़ेगी। दुनिया में आपने तो 7 लाख से ज्यादा शहीदों के साथ में धोखा किया है, महात्मा गांधी के साथ धोखा किया कि स्वदेशी को खूंटी पर टांग के रख दिया, आपने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ धोखा किया, आपने जयप्रकाश नारायण के साथ में धोखा किया, किस किस के साथ धोखा किया है। ये तो अंग्रेजों की भक्ति से लेकर सत्ता की प्राप्ति तक जो अब ब्लैक मनी के ऊपर बात करते नहीं हो, और बात जो है आपको आपको बाबा दिखता है, यदि बाबा की हत्या करने से आपको काला धन मिलता है तो वो भी मुझे फांसी पर टांग दो, काला धन देश को दिला दो। बाबा काले धन के ऊपर बात नहीं करते, बाबा के ऊपर जो है सोटा लेके मुड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं कर, बाबा के पीछे कोई सोटा लेके नहीं घुमा है, जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा। अरे पकड़ो ना, तुम्हारे सामने बैठा हूं, दिल्ली में बैठा हूं, आप अच्छे खुला रहो यहीं पर, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, माता सोनिया गांधी, खुला सब करिए कि कानून को कार्रवाई करने दो। अरे हम कैसे रोक सकते हैं, ऊपर अन्याय हो रहा है, अरे मैं आपकी जी का चोरी करता हूं, इतना तय है चीखने चिल्लाने से नहीं आएगा काला धन, चीखने चिल्लाने से नहीं आएगा। कुछ जो सोल्यूशंस बाबा ने पहले बताया जरा उस पर देखिए, सोल्यूशन की बात नहीं, मैं एक बात सीधी सी, मैं 2-3 प्रश्न करता हूं, आप मुझसे एक मिनट 2-3 प्रश्न कर लीजिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एफडीआई में जो पैसा आया है और उसमें भी गौर से सुनना, एफडीआई में और एफएफआई में जो पैसा है, पार्टिसिपेटरी नोट्स में करीब 60-80% ब्लैक मनी है, उनके जो सब अकाउंट्स हैं उनके बताने का प्रावधान है, उसका प्रावधान कांग्रेस क्यों नहीं करती? इस प्रश्न का मुझे उत्तर दे दीजिए। मैं आज से आप जो कहेंगे ना वो बोलने के लिए बोलूंगा, बोलिए। अच्छा बाबा, सबसे पहले जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं ना, ये एक प्रकार, अब सुनिए। हाँ बोलिए, मैं सुन तो रहा हूं, बोल तो नहीं रहा। आरोप लगा देना काफी नहीं होता। हाँ सुन रहा, जवाब सुनना चाहिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स है वो दुनिया के हर शेयर मार्केट में एक डेरिवेटिव्स के तौर पे काम करता है। सारी दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं खत्म होना चाहिए, आप उसको पक्ष में क्यों बोलते हैं? मैं पक्ष में और विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, जो सच्चाई है, जो लीगल फैक्ट है, वो आपके सामने रख रहा हूं। बोलिए बोलिए। दुनिया के हर स्टॉक एक्सचेंज में
पार्टिसिपेटरी नोट्स एज ए डेरिवेटिव इशू होते हैं, जिसमें जिसमें जो एफआईआईज होती हैं वो इशू करती हैं। एक एक में रुकिए, हमारे पास सेबी के पास जब जब किसी पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में कुछ बात निकल के आई है, बकायदा तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, आगे भी होगा, आपके पास एग्जैक्ट कोई केस हो कि इस कंपनी का, इस एफआईआई का पार्टिसिपेटरी नोट्स में इस इंडियन आदमी का पैसा लगा है, जो आपको अधिकार है सेबी में कंप्लेन करने का। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि दुनिया की कोई भी सरकार आज ही एक बड़े पूरी बात नहीं होने देते बाबा, इसकी अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप काम की करो ना बस, आप नहीं, मैं तो आपने कहा ना कि पार्टिसिपेटरी नोट्स में घोटाला, पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्या घोटाला बताओ तो। आप सब आजकल सीएजी हो गए, प्रिजम्प्टिव लॉस, सीएजी तो दुश्मन दिखता है ना, सारे घोटाले सामने रख दिए, हो ही नहीं सकता लॉस कभी नोशनल हो ही नहीं सकता, प्रिजम्प्टिव प्रॉफिट हो सकता है, प्रिजम्प्टिव लॉस नहीं होता। तो उन्होंने बोल दिया 170,000 करोड़ बाबा लिए घूम रहे हैं, हम बहस से बिल्कुल भटक जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबी बहस। मैं एक साधारण सा संजय सिंह भाई, प्लीज बाबा रामदेव, 50 और 100 रुपए के नोट कर दो, 500,000 के नोट खत्म कर दो, उससे काले धन को हम रोक पाएंगे, ये सोल्यूशन है। अंजना अंजना देखो, आप प्रश्न पूछेंगे उत्तर में दे रहा हूं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2-3% ही करेंसी की व्यवस्था है आइडियल इकोनॉमी के लिए, और भारत के अंदर 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नोट छापे गए और वो भी बड़ी करेंसी 97% बड़ी करेंसी। इसका मतलब क्या है आज की डेट में, जिसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के नोट जो है वो नकली फैक करेंसी होने की संभावना है। अब बात सुनो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं, इसको हल्के में उड़ाना नहीं चाहिए। और जो मैं अभी बात कह रहा था कि ये जो ब्लैक मनी आया है एफडीआई के माध्यम से, मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, ये हमारे देश के जो है बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से लेकर के, अभी मैंने आपको बोला था कि हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कहा ये एफएफआई में जो जो पार्टिसिपेट से नोट से जो पैसा रहा, ये आतंकवादियों का पैसा हो सकता है। मैं कहता हूं यदि कांग्रेस का पैसा नहीं है, बहुत गंभीर बात है, ये आरोप नहीं है, यदि पैसा कांग्रेस का नहीं है और ये यदि पैसा आतंकवादी का नहीं, पूरे मामले की जांच हो रही है। अरे भाई अब क्या स्टॉक एक्सचेंज में, यदि कांग्रेस का पैसा नहीं है, आतंकवादियों का पैसा नहीं है, होम मिनिस्टर कर रहे हैं, यदि कांग्रेस के द्वारा संरक्षित लोगों का पैसा नहीं है, तो एफडीआई के मूल मालिकों का नाम बताने में दिक्कत क्या है? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है, लेकिन ये एक रियल थ्रेट है और इसकी जांच। इसको इतने बड़े प्रश्न को आप जोर से बोल के क्यों दबा रहे हैं? बाबा मैं दबा नहीं रहा हूं, बाबा आपको मालूम नहीं है कि सिर्फ ये आपको पता नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में टेरर फंड है, सरकार को पता है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। आरटीआई का, एफएफआई का और पार्टिसिपेटरी नोट का तो क्या करेंगे? आज ये सारे लोग बैठे हैं, आज भी एक बड़े अखबार में स्टोरी छपी है कि हसन अली का 1,00,000 करोड़ रुपए के करीब था, उसमें से क्या वसूल किया बताइए? हसन अली के ऊपर ईडी को जितना इन्वेस्टिगेशन करना था वो किया और कर रही है, और बावजूद इसके अगर कुछ नहीं निकल के आ रहा है तो अब उसके लिए क्या, कौन दोषी होगा? क्योंकि हसन अली का केस आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ा करके चढ़ा करके पेश किया गया था, बार बार ईडी ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में कहते थे साहब हमको बहुत कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, ये सारा झूठ है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू इन्वेस्टिगेट अगेन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर नहीं मिल रहा है फिर भी बाबा पोने अखबार में छपे तो जबरदस्ती ईडी वाले थोड़ी निकाल के लाके दे देंगे। वक्त अब इस बहस को खत्म करने का है, चलते चलते लेकिन बाबा रामदेव एक आखिरी सवाल, जरा सख्त सवाल हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये कहा जाता है काला धन इस देश में धर्म गुरुओं के भी इर्द गिर्द बहुत घूमता है। मैं किसी आप पर या किसी दूसरे का नाम नहीं ले रही हूं, क्या खुलकर इनकी भी जांच होनी चाहिए? क्योंकि धर्म और आस्था से जोड़कर ऐसे लोगों को बचा लिया जाता है इस देश में। देखिए, दो लाइनों में जवाब कहा है जी, बाबा रामदेव से लेकर के देश की 5,00,000 से ज्यादा साधु हैं देश में, सबकी जांच कर लीजिए, हमारे पास में या किसी धर्म गुरु के पास में, राज सत्ता धर्म सत्ता कहीं पर भी कोई बैठा है, सबका काला धन देश को मिल जाए तो इस देश में ना गरीबी रहेगी, ना महंगाई रहेगी, ना बेरोजगारी रहेगी, हमारी जीडीपी 10 गुना, हमारी ग्रोथ रेट 2 गुना कम से कम, सरकार डेफिसिट की बजाय सरप्लस में आ जाएगी, और हमारे देश की वर्ल्ड जीडीपी में भागीदारी 1 पॉइंट की बजाय 20% तक होगी। इतना बड़ा ये मुद्दा है, इसको इतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए, ये व्यक्तियों का मुद्दा नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यदि अभी भी मुझे लगता है जिस कांग्रेस के हाथ में सत्ता है वो इसके ऊपर कार्रवाई करती है तो देश उनको सलाम करेगा, नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा है काला धन और भ्रष्टाचार होगा, जो इस कांग्रेस की नजर डुबो देगा। इसलिए मैं तो कहता हूं, भला चाहता हूं कि वैसे तो ये सरकार वेंटिलेटर पर है,
अभी अर्थी सचिव की अंत्येष्टि की तैयारी है, 2013 तक ये 13वीं हो जाएगी यदि काले धन और भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर कदम ना उठाया। इसलिए मजबूत लोकपाल बनाओ, सीबीआई, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग के जो प्रश्न है इनको सुलझाओ। बाबा आपने एक अच्छी बात कही है कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, तो क्या सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही है? 78 कंट्रीज के साथ हमने डीटीएस रिवाइज किया। एक बाबा सुनिए जरा, सुनने की भी आदत रखिए, सिर्फ बोलना नहीं, तो बोला ही नहीं, बोलने से पहले बोलने लग जाते। दूसरा जो टीआईईएस होता है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, ऐसे 72 देशों से संधि करके एक रुपए नहीं लेके आए, कितनी चालाकी सी संधियां की है बाबा। ऐसे करेंगे तो कोई फिर चर्चा नहीं होगी। आप नहीं कह सकते कि एक भी पैसा नहीं लाया। हर साल डीटीए रिवाइज हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर पैसे आ रहे हैं और सरकार उसको घोषित भी कर रही है। तो टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट के जरिए, डीटीए के जरिए यह काम हो रहा। लगभग इस समय 45 कंट्री के सामने हमने अपना प्रपोजल दे रखा है कि आप हमारे साथ टीआईएस करिए, जिसमें टैक्स हेवन ज्यादा है, क्योंकि सारा आपका ब्लैक मनी टैक्स हेवन में होता है, चाहे आइल ऑफ मैन हो या बारबाडोस हो या बरमूडा हो। तो इस तरह की जगहों पर ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी एक कौड़ी देश लौटा नहीं है। और ये सवाल आपसे देखो, मैंने पहले 400 लाख का आंकड़ा बताया था। अंजना जी, आरोप सरासर गलत है। पिछले 2-3 वर्षों की मेहनत के बाद 54,000 करोड़ रुपीस अपने पास आ चुके हैं। इसकी घोषणा मैंने ऊंट के मुंह में की, वित्त मंत्री उस समय के प्रणव बाबू कर चुके हैं। आप कृपया करके हमारे सरकार की घोषणाओं के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिर्फ बाबा रामदेव की घोषणा पर 100 से 150 लाख करोड़ बाहर, 1,000 लाख करोड़ अंदर, मैंने पूरे प्रमाणों के साथ साबित कर दिया और उसमें वापस लाया ऊंट के मुंह में जीरा। ये पूरे देश के सामने है, देश को निर्णय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने।